सूरत के कतारगाम जोन के अंदर फुलवाड़ी साबरीनगर इलाके में सूरत महानगर पालिका द्वारा स्कूल बिल्डिंग बनाई गई है, पर उस स्कूल बिल्डिंग में उर्दू माध्यम स्कूल का निर्माण नहीं किया है, जबकि वहां के स्थानिक रहवासी 700 से ज्यादा छात्र जो उर्दू माध्यम स्कूल में अभ्यास करते हैं और जो सभी रामपुरे में स्थित उर्दू माध्यम स्कूल में अभ्यास करने के लिए जाते हैं, पर उन बच्चों को लंबी मुसाफरी की वजह से काफ़ी हद तक परेशानियां और जिद्दोजहद करनी पड़ती है, जिसके मद्देनज़र पिछले 6 महीनों से स्थानिक लोगों तथा कॉरपोरेटर असलम साइकिल वाला द्वारा कई बार सूरत महानगर पालिका में अपील की गई, लेकिन इस मुद्दे पर मनपा द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से आज सूरत के DKM अस्पताल महाराणा प्रताप सर्कल के पास स्थित शिक्षण समिति चेयरमैन के ऑफिस के बाहर स्थानिक लोग तथा कॉरपोरेटर असलम साइकिल वाला द्वारा इस मुद्दे पर विरोध दर्शाते हुए धरना प्रदर्शन पर बैठे थे और अपनी मांगे रखी थी। असलम साइकिल वाला कॉरपोरेटर सूरत महानगर पालिका, आज हम धरना पे इसके लिए बैठे शिक्षण समिति के चेयरमैन के ऑफिस के बाहर, क्योंकि कतारगाम जोन के अंदर फुलवाड़ी साबरीनगर विस्तार है, वहाँ पर सूरत महानगर पालिका ने नई स्कूल की बिल्डिंग बनाई है और वो स्कूल के अंदर एक उर्दू माध्यम की स्कूल शुरू होना चाहिए, ऐसी स्थानिक लोगों की मांग थी, क्योंकि वहाँ से कम 650-700 बच्चे हैं वो रामपुरा के उर्दू स्कूल में जाते हैं, जो काफ़ी दूर है, उनको ट्रांसपोर्टेशन खर्च काफ़ी महंगा पड़ जाता है और हर चीज़ से उनको तकलीफ़ पड़ती है। और कायदा यूँ कहता है कि लघुभाषी साड़ा लघुभाषी स्कूल जो है नगर प्राथमिक को शुरू करना चाहिए, जहाँ लोगों की जिस स्कूल की लघुभाषी स्कूल की मांग हो, गुजराती माध्यम की मांग हो, वो हिसाब से स्कूल शुरू करना चाहिए। और लास्ट कई सालों से ये डिमांड थी, लास्ट 6 महीने से हम यहाँ हर रोज़ आ रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, कभी शिक्षण समिति के कर्मचारियों ने या चेयरमैन हमको मना नहीं किया कि स्कूल नहीं शुरू करेंगे, लेकिन आज 11 जून हो गई, स्कूल शुरू हो गई, वहाँ आज तक उर्दू माध्यम की स्कूल शुरू नहीं हुई। उसके कारण हम हमारा हक मांगने के लिए, स्थानिक गरीब बच्चों के हक के लिए, वहाँ के स्थानिक आगेवन के साथ यहाँ चेयरमैन श्री के ऑफिस के सामने धरना पर बैठे हैं और हमने शासनाधिकारी को विनंती कर दी है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ तक वहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अयूब पटेल है मेरा नाम, सूरत शहर कांग्रेस का महामंत्री हूँ। 1996 की साल से फुलवाड़ी भरीमाता रोड विस्तार में उर्दू माध्यम के बच्चों को पढ़ने के लिए उर्दू माध्यम की साड़ा का मकान बनाने के लिए हमारी मांगनी थी। मानव सेवा मंडल कॉरपोरेटर रसिक राणा, नईम रिफाई, भूपेंद्र सोलंकी, असलम भाई साइकिल वाला, ऐसे कॉरपोरेटर, शिक्षण समिति के सभियों, हमारे विस्तार की एकरा हेल्प कमेटी, दूसरे सोशल वर्कर संजरी ग्रुप, बहुत से NGO, बहुत से मोहल्ले के आगे उन्होंने मिलकर हमने वर्षों से ये उर्दू स्कूल की सारा ये विस्तार के अंदर शुरू करने के लिए मांगनी की थी। हमारी मांगनी को ध्यान में लेकर स्कूल का मकान बनाया, मकान बनने के बाद वहाँ उर्दू स्कूल चालू ही नहीं कर रहे। वहाँ के हमारे एरिया के 650 बच्चे रामपुरा तक आते, जो हमारे एरिया से कम 2 किलोमीटर दूर है, और जिलानी ब्रिज रिंग रोड बनने के बाद वो रोड क्रॉस करना बच्चों को, वालियों को बहुत दूर तकलीफ वाला है। इसके लिए हम 6 महीने से सतत यहाँ मांगनी कर रहे हैं कि भाई हमारे विस्तार में जो स्कूल की बिल्डिंग बनी है उसमें एक पाली गुजराती माध्यम, एक पाली उर्दू माध्यम की शाला शुरू की जाए, लेकिन ये लोग हमको कोई जवाब नहीं दे रहे और स्कूल चालू भी नहीं कर रहे, ना भी नहीं बोल रहे। इसके लिए हमने आज ये तो हम हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। कैमरामैन सादिक पठान के साथ संवाददाता परवीन पठान, क्राइम 7 न्यूज़, सूरत।